कंगना हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। कंगना को सुरक्षा भी मिल चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह कंगना मंडी के अपने पैतृक गांव से मुंबई रवाना हुई। इसी बीच महाराष्ट्र में उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र में कंगना के ऑफिस को शिवसेना द्वारा तोड़े जाने पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना का गठन जिस चीज के लिए हुआ था वह मूल को खत्म कर दिया गया है। जब से शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है शिवसेना का वजूद खत्म हो गया है। शिवसेना की हालत भी कांग्रेस जैसी होने वाली है। ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार सा महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी आवाज़ में कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उनने ये कार्यवाही की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। सामना का मैं जिक्र कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैंने देखा ना पढ़ा नहीं, क्योंकि वो उनका मुखपत्र है, वो अपनी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो इस घटना से के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। शिवसेना का मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उनने समाप्त किया जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ। कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, ये सत्ता के लोभ में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने की आवश्यकता। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।